तो जीवन जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरा अभी 2 साल हो चुका है। 2 साल हो चुका है। और आप PhD कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? अभी मेरा रजिस्ट्रेशन तो फार्मेसी स्कूल में है, पर मेरा PhD कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में करता हूँ। ओके। और अगर किसी को पोर्तुगीज़ नहीं आती तो उसे क्या एडमिशन मिल सकता है? और स्कॉलरशिप का क्या है, ट्यूशन फीस का क्या, मतलब कॉलेज की पढ़ाई फ्री है? जो हॉस्टल की उन्होंने मुझे बिल्डिंग दिखाई तो मुझे वो मुन्ना भाई वाला सीन याद आ गया कि रैगिंग करने के लिए ले जाते हैं उठा है ना, भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का। तो दोस्तों, ये जो स्टोर है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में छोटा सा। नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ देखिए कौन है, ठीक है, आज हमारे साथ एक इंडियन है, इनका नाम है जीवन, राइट? ठीक है, तो जीवन जी हैं आज हमारे साथ, ये यहाँ पे रहते हैं और आप PhD कर रहे हैं, राइट? हाँ, PhD कर रहा हूँ, USP यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो जो साओ पाउलो यूनिवर्सिटी है उससे PhD कर रहे हैं और आज हम इनसे मिलने आए हैं। ये हमें यूनिवर्सिटी भी घुमाएंगे और इंफॉर्मेशन भी देंगे, है ना, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरा कैंपस घूमेंगे, मैं दिखाऊंगा सब। ओके, आपको आप इंडिया में कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से हूँ। ओके, ग्रेट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज ये लीड करेंगे, मैं नहीं करूँगा, है ना। तो बस अभी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं भूटंटा एरिया है, ये यहाँ पे ही है स्थित साओ पाउलो यूनिवर्सिटी। वेदर बहुत अच्छा हो गया आज। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बस बारिश ना गिरे। इधर भूटंटा टर्मिनल है। ओके, तो उधर से बस ले लेंगे। ओके, तो दोस्तों ये भूटंटा मेट्रो से हम निकलते हैं ना, तो उसके पास में ही है बस टर्मिनल। मैं यहाँ एक बार आ चुका हूँ, जो मेरा रेडियो प्रोग्राम हुआ था 2017 में, तो मेरा एक फ्रेंड है वो लेके आया था, तो ये एरिया मैं देख चुका हूँ 2017 में। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही लेके आया था मुझे। ये देख सकते हो बस टर्मिनल है ये। कौन से नंबर की बस है वो यूनिवर्सिटी के लिए? तो भूटंटा टर्मिनल से 2 बसेस जाते हैं, एक 8022 और दूसरा 8012, 2 बसेस जाते हैं। ओके, तो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बस फ्री है, अगर पब्लिक है तो नॉर्मल पे करना होता है। नॉर्मल पे करना। ओके, ठीक है, तो 2 बस हैं, 8022 यहाँ पे है और 8012 है। दोस्तों, ये एक डिटेल वीडियो है साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, इसमें आपको स्कॉलरशिप, एडमिशन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने सारी बिल्डिंग्स तक दिखाई हैं जहां आपको जाना है एडमिशन लेना है, तो आपको पूरी साओ पाउलो यूनिवर्सिटी की एक झलक दिख जाएगी, तो जो भी पढ़ने आना चाहते हैं उनके लिए काम ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं, यह है साओ पाउलो यूनिवर्सिटी, देख सकते हो बहुत ही सुंदर मौसम। तो अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम एक सेंट्रल पार्क एरिया एक है। ओके, उधर लेकर जाता हूँ, उधर बहुत बड़ा पार्क है। ओके, और यूनिवर्सिटी का मेन आर्किटेक्चर है उधर है। ओके, अगर USP बोला तो वो आर्किटेक्चर दिखाते हैं। ओके, कहीं भी फोटोस में तो उधर लेकर वहाँ पे चलते हैं। ओके, फेमस है वो? हाँ, बहुत फेमस। ओके, ग्रेट। ये वही फेमस भूटंटा इंस्टीट्यूट है और यहीं पे वो बनती है ना चाइनीज वैक्सीन, कोरोना। हाँ, चाइनीज वैक्सीन इधर ही मैन्युफैक्चर होता है। यस, तो भूटंटा इंस्टीट्यूट और जो शीनो फार्मा है उन्होंने मिलके जो है चाइनीज वैक्सीन बनाई है, कोरोना वैक बोलते हैं, और यही है वो भूटंटा इंस्टीट्यूट यहाँ पे। अभी हम एंटर किया था यूनिवर्सिटी, पहले पुलिस अकेडमी आता है, उसके बाद ये जो ये पहला सर्किल है, हम जहाँ जा रहे हैं वो सेकेंड सर्किल के बाद आता है। ओके, तो हम अभी उस तरफ जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे एंट्री अलाउड है, मतलब बाहर वालों को? हाँ, पब्लिक के लिए अलाउड है, पर अभी पैंडमिक के वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रखा है। Okay. और एल्स आप आ सकते हैं यूनिवर्सिटी, आके घूम सकते हो, फोटो ले सकते हैं, पर आप बिल्डिंग्स के अंदर नहीं जा सकते हैं। Okay. आप सिर्फ कैंपस घूमना चाहते हो, घूम सकते हो। यू कैन यूज इट लाइक अ पार्क। हाँ, तो कभी कभी लोग यूनिवर्सिटी के उस तरफ जाना चाहते हैं तो कार में चले जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर से। ओके, क्योंकि मेन रोड में बहुत बड़ा रास्ता हो जाता है।
बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। ओके, तो कार से घूमना आप कहेंगे? हाँ, जा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। पर आप आई थिंक वीकेंड्स में रिस्ट्रिक्टेड है, आपका आईडी कार्ड पूछेगा, तो वीकडेज में तो आप आराम से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, हाँ, ये लाइब्रेरी है। ओके, पर अभी क्लोज्ड है। ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है? हाँ, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी है। ओके, पूरा यूनिवर्सिटी का भी नहीं है। मतलब कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत रिच डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा होगा इकोनॉमिक्स वाला डिपार्टमेंट, उनका बहुत फंडिंग। अच्छा, तो पूरे दुनिया भर की किताबें होंगी? पूरा होंगे, इंडियन ऑथर्स की भी, पर इंग्लिश का मिलना मुश्किल है। ओके, पोर्तुगीज है टोटली? मोस्टली पोर्तुगीज वाला मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो आप कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी है। ओके, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना लाइब्रेरी होता है। तो ये पीछे का पार्ट है, हम आगे भी जा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप यूएसपी लिखा है, यूनिवर्सिटी जी साओ पाउलो यूनिवर्सिटी, और बिब्लियोथेका लाइब्रेरी को बोलते हैं। तो बस ये देखो आप, तो ये स्ट्रीट को भी लाइब्रेरी स्ट्रीट बोलते हैं। हुआ द बिब्लियोथेका, हाँ हुआ द, करेक्ट, लाइब्रेरी स्ट्रीट बोलते हैं इसको। हॉस्टल में रह सकते हैं, इधर अंदर का एक हॉस्टल है। okay. पर उधर रूम मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूजुअली वो रूम्स बहुत बहुत जो पूर होते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ उनके लिए देते हैं। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी पूरा फ्री है, मतलब कुछ फीस कुछ ज़रूरत नहीं है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। आप अंडरग्रेड से मास्टर्स पीएचडी सब कुछ फ्री है, कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स सेंटर है इधर, सब कुछ फ्री है। उधर भी आप स्विमिंग सीख सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, फुटबॉल सीख सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं इधर, और सब कुछ फ्री है। तो इस मामले में यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों देखो कितनी बड़ी है लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग, वहाँ से हम देख रहे थे वो यहाँ तक है। ये पूरा पार्किंग एरिया है, पर पूरा लीफ से कवर हो गया। ओके, अच्छा वो इसी लाइब्रेरी की पार्किंग? हाँ, लाइब्रेरी का पार्किंग है। तो आप ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं इधर पीछे, उसके पीछे वो उधर स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, हॉस्टल है, हॉस्टल है वो। बहुत बड़ा है हॉस्टल? हाँ है, पर इतना अच्छा नहीं है, बेटर है बाहर रहना है। ओके, क्योंकि वो बहुत मैसी हो जाता होगा, बहुत मैसी हो जाता है, बिल्डिंग्स भी पुराना है हॉस्टल का। ओके, तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं नया हॉस्टल बनाने के लिए, पर ये गवर्नमेंट का है ना। हाँ, तो गवर्नमेंट का, मैं मुझे हॉस्टल का सुनता हूँ तो वही मुन्ना भाई वाला हॉस्टल थोड़ा ऐसा ही है। मैं कभी अंदर गया नहीं, फोटोज देखा था, पर थोड़ा ऐसा ही है। ओके, तो जो हॉस्टल की उन्होंने मुझे बिल्डिंग दिखाई तो मुझे वो मुन्ना भाई वाला सीन याद आ गया कि रैगिंग करने के लिए ले जाते हैं उठा है ना, भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का। ये हम अभी जो देखा था बिल्डिंग, उसके पीछे है वो, ये पीछे का पार्ट है, आगे का पार्ट आगे से। वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना उधर सामने, वो हिस्ट्री का बिल्डिंग है, और वो बहुत पुराना डिपार्टमेंट है यूएसपी का, तो बिल्डिंग भी पुराना है। यूजुअली हम अंदर जा सकते हैं, पर अभी पैंडमिक की वजह से पूरा क्लोज कर दिया, और एल्स हम अंदर गए तो वो फोटोस दिखाते हैं, पोर्तुगीज का, वास्को डी गामा का फोटोस। okay. वो कैसे सेलिंग किया, वो सब कुछ फोटोस होते हैं अंदर। नाइस, अच्छा वो पूरी पोर्तुगल एंड ब्राज़ील हिस्ट्री, पूरा पोर्तुगल का हिस्ट्री, वो सब कुछ बड़े बड़े फोटोज में दिखाते हैं। तो वो पब्लिक के लिए ओपन है, पर अभी पैंडमिक के वजह से क्लोज्ड है। तो ये आगे का है, ये पूरा एक जो बिल्डिंग है ये सिर्फ लाइब्रेरी है। तो दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे, और पिकनिक जैसा भी मना सकते हो। अब हम देखेंगे क्लॉक टावर। इधर जो कार्विंग्स देख रहे हैं क्लॉक टावर पे,
एक एक कार्विंग एक एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है. Okay. एक है आर्ट हो गया, एक है साइंस हो गया. Okay. तो हम आगे जाके देख सकते हैं. तो ये जगह का क्या नाम है इसका? इसको सेंट्रल पार्क बोलते हैं. ओके. ये पूरा तो पूरा ये पार्क एरिया है और ये क्लॉक टावर है. मतलब इंग्लिश में क्लॉक टावर बोल सकते हैं, पोर्चुगीज में क्या बोलते नहीं पता मुझे. ओके. पर पहले ओपन होता था, ये ऊपर जा सकते थे, पर कोई बहुत साल के पहले कोई सुसाइड कर लिया था तो ये क्लोज कर दिया पूरा. अभी बस बाहर से देखना है. वो तो यूनिवर्सिटी का एंडिंग है तो उसके बाद सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बिल्डिंग्स है. ओके. अच्छा वो बाहर है. हाँ वो यूनिवर्सिटी का बाहर है, उधर एंड हो जाएगा यूनिवर्सिटी. ओके. और ये क्या पार्क है? हाँ ये पूरा पार्क ही है, बहुत बड़ा है. तो यूजुअली स्टूडेंट्स रहते हैं इधर, पर अभी पैंडमिक की वजह से क्लोज्ड है ना. ओके. तो अभी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं. मैं आपको बोल रहा था ना कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ये बिल्डिंग है. ओके. तो बहुत छोटा है, छोटा छोटा रूम्स है बहुत, तो एडजस्ट कर लेते हैं, पर फ्री है इधर रह सकते हैं. तो इसके पीछे कैंटीन है, कैंटीन जा सकते खा सकते हैं, पर अभी क्लोज्ड है पैंडमिक की वजह से. तो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ दो ही आइस है, पूरा पूरा मील आ जाएगा. और अभी हम सिर्फ पार्सल ले सकते हैं, अभी खा नहीं सकते उधर, पर यूजुअली पैंडमिक के पहले उधर जाके खा सकते थे. बैठना अलाउड नहीं है वहाँ पर? अभी तो बैठना अलाउड नहीं है. पहले तो एक हमारा ताली होता है ना. हाँ हाँ, ऐसा दे देते हैं, बंदे जाओ बोलते हैं इधर, उस प्लेस को बंदे जाओ बोलते हैं, वो प्लेट को बंदे जा बोलते हैं. करेक्ट. तो हम उधर जाके देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं कैंटीन को. दोस्तों ये देख रहे हो आप, हॉस्टल है ये यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो का. दोस्तों जीवन जी ने इतना डिटेल टूर दिया है साओ पाउलो यूनिवर्सिटी का, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग जीवन जी को भी जान सकें और साओ पाउलो यूनिवर्सिटी को भी जान सकें कि कैसे हमारे देश से लोग आते हैं और दुनिया भर में नाम रोशन करते हैं. USP का चीज़ें खरीद सकते हैं, जो टी शर्ट्स होते हैं USP लिखा हुआ होता है, तो सब कुछ खरीद सकते हैं. ओके. तो दोस्तों ये जो स्टोर है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में छोटा सा, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. जैसे ये होता है, हुडी है, कैप है, शॉर्ट्स है, पेन है, मग है, ये सब चीज़ें जो है, जैसे की चेन्स हैं. तो ये सब जो चीज़ें होती हैं आपको यूनिवर्सिटी साओ पाउलो लिखा USP लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा. तो जीवन जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरा अभी 2 साल हो चुका है. दो साल हो चुका है. और आप PhD कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? अभी मेरा रजिस्ट्रेशन तो फार्मेसी स्कूल में है, पर मेरा PhD कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में करता हूँ. ओके. और अगर किसी को पोर्तुगीज़ नहीं आती तो उसे क्या एडमिशन मिल सकता है? और स्कॉलरशिप का क्या है, ट्यूशन फीस का क्या, मतलब कॉलेज की पढ़ाई फ्री है?